हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। एक एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 287 है। अब बोला गया है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। और दूसरा है टू राइट द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी केमिकली सिमिलर, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर गिवेन इन द N7 दिया हुआ है, F9 दिया हुआ है, P15 दिया हुआ है, Argon 18 दिया हुआ है। देखो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को दिया हुआ है, इसी दिया हुआ है क्या 287, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके हिसाब से दिखाता है, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन देखना है तो सभी को जोड़ देंगे, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। और हम लोग जानते हैं E=P=Z, मतलब कि अगर एक केमिकली न्यूट्रल एलिमेंट है तो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, और जितना प्रोटॉन का संख्या होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो इसमें अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी केमिकली सिमिलर। अब इसमें से जो दिया हुआ है, इसमें से कौन सा उसका एलिमेंट जो होगा वो सिमिलर नेचर का होगा, तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। अगर नाइट्रोजन का लिखेंगे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-5 होगा। और उसी तरह अगर हम दूसरा एलिमेंट फॉस्फोरस का लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-7 होगा। अगर हम लोग तीसरा एलिमेंट फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस का अगर हम लोग लिखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2-8-5। और आखिरी अगर हम लोग बात करें आर्गन, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2-8-8। तो अब देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी रखेगा, जिसके आउटर मोस्ट सेल में सिमिलर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये यहाँ उसी तरह नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करेंगे और इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो सिमिलर होगा। तो हमारा जो बी का आंसर हो जाएगा, ये तो एक आंसर हो गया। ठीक है, अब बी का जो आंसर होगा बोलेंगे क्लोरीन इज केमिकली सिमिलर टू दैट एलिमेंट, क्लोरीन जो होगा उससे केमिकली सिमिलर होगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।